नमस्कार, मैं कविता अग्रवाल आपके अपने शो कविता दशक में स्वागत करती हूँ। आजकल इतनी भयंकर गर्मी है कि इसमें मन करता है कुछ भी ठंडा पीने को मिल जाए, चाहे कोई मॉकटेल हो, चाहे कोई ड्रिंक हो, चाहे कोई कोई भी शेक हो। तो आज हम शेक बनाने जा रहे हैं, प्लम का शेक, जिसमें हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तीन मैंने प्लम ले लिए हैं जो मीठे हों, और 1.5 टेबल स्पून शुगर, थोड़े से मिंट के पत्ते, बादाम गार्निशिंग के लिए, और आइस क्यूब, और 1 कप ऑफ मिल्क। इसमें सबसे पहले आप प्लम को छील के उसके गूदे को जार में डाल दीजिए। ये बीजे मैंने निकाल दिए और प्लम को मैंने काट के डाल दिया है। इसमें हम ये शुगर डाल देंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते। इसको पहले हम ब्लेंड कर लेंगे बिना दूध के। बिना दूध के डालने से अच्छे से प्लम पिस जाएगा। ये देखिए हमारा प्लम का पेस्ट बिल्कुल बन चुका है। इसमें अब हम दूध डाल देंगे और ये आइस के क्यूब्स डाल देंगे, जिससे ये बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा और क्रीमी बिल्कुल बनेगा। ये देखिए हमारा शेक तैयार हो गया है। इसको हम बादाम से गार्निश कर देंगे। इसको आप इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए तो ये और भी ज़्यादा देखने में भी सुंदर लग रहा है और साथ ही टेस्टी भी है। इसको हम प्लम का जो हमने छिलका लिया था, छिलका उतारा था, उसको थोड़ा सा ले रख लेंगे और उसको हम डेकोरेट कर देंगे, जिससे ये पता चले प्लम का शेक है। देखिए ये शेक कितना अच्छा भी लग रहा है और पीने में भी बहुत टेस्टी है। प्लीज़ आप अपने अनुभव kavitadashyam@gmail.com में शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी आप नई रेसिपीज जानना चाहते हैं, प्लीज़ ये शेक ट्राई कीजिए और अपनी क्वेरीज भेजिए। नमस्ते।